हेलो एवरीवन वन डार्क लग्न ट्रेक में आप लोगों का स्वागत है कैसे आप लोग आई हो बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड फैंटास्टिक होंगे आज हम लोग फिर से आगे नई 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 वीडियो के साथ जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो नथिंग फोन के रिलेटेड हम लोग बताने वाले हैं आपको सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर जो नथिंग फोन अगर आप लोगों ने परचेज कर रखा है आप लोग इसके बेस्ट फीचर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमने देख के ही क्लिक किया होगा तो आप मैं वही सब चीजें बताने वाला हूँ चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों नथिंग फोन में एक फीचर है जिसका नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं जब इसमें डीजे लाइट इतनी अच्छी दी गई है तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले जैसे कोई भी हम लोग कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं और उसको बैक लाइट को मतलब डीजे लाइट की इफेक्ट हो जाए मतलब लोग जैसे बोलते हैं हमारे टॉय खिलौना वाला बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो फ्रेंड लोग थोड़ा टांग खींचते हैं उससे थोड़ा हट के ये काम करता है थोड़ा सा डीजे वाला माहौल बना देता है लाइट्स को ऑफ करके अकेला डीजे बन जाता है नथिंग फोन वन इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट में जाना है एक नया नंबर सेव करना है लाइक बट उसका जो नंबर आप सेव करोगे बट उसका नाम होना चाहिए एब्रा ए बी आर ए एब्रा अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप वन टू थ्री लिख दीजिए वही इनफ होगा कॉन्टैक्ट डिटेल सेव होने के बाद हम लोग को जाना है सेटिंग्स में उसके बाद हम लोग को जाना पड़ेगा ग्लिफ इंटरफेस में ग्लिफ इंटरफेस में जाने के बाद आपको रिंगटोन वाले ऑप्शन पर जाना है उसके बाद एड कॉन्टैक्ट्स में आपको सेव करना है एब्रा जो हम लोगों ने अभी कॉन्टैक्ट डिटेल में क्रिएट किया था जिसको ये सेव होने के बाद आपको दोबारा से सेटिंग्स में जाना है और रैंडम से कोई सी भी आप रिंगटोन को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो या ना हो आपको उसका बैक करना है बैक होने के बाद आप लोगों को ये चेक करना है ग्लिफ़ इंटरफेस में एक ऑप्शन इनेबल हो चुका होगा जो हाइड रहता है बेसिकली वो है म्यूजिक विजुअलाइजेशन जैसे कि आप लोग, लोग देख लीजिए इस सेटिंग को आपको इनेबल करना है ये मेरे पहले ऑलरेडी पहले से इनेबल था इसके बाद आप लोग अब कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे सारा म्यूजिक सिंक होके इसके साथ चलेगा प्रॉपर वे में ऐसा नहीं है आप एक सॉन्ग चलाओ सेम पैटर्न नहीं चलता है देखिए अब इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं ऐड पर भी देख रहे हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है ये चीज मुझे अच्छी लगी मतलब छोटा सा पार्टी हब बना सकता है हमारे एक एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रूम को हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे लोग बैठेंगे ना वाइव एक आ जाएगी छोटी सी जैसे आप सब में से काफी लोग कहते हैं लाइट वाला खिलौना है नथिंग फोन वन पार्टी वाली वाइफ दे देगा इस टाइप की फीलिंग दे ही सकता है एक छोटे से रूम के अंदर दोस्तों नथिंग फोन वन में जो सेकंड फीचर है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है अगर आपको कोई भी ऐप आइकन जो होता है उसको आपको लार्ज करना है तो इन करके आप लार्ज कर सकते हो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी ऐप को ना यूज़ करते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी होती है सबसे बड़ा इतना बड़ा कर दो कि वो आपसे छुपी ना पाए डिस्प्ले पे तो इस टाइप का सबसे बड़ा लगता है मतलब मैं इंस तो जब सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ तो इंस्टाग्राम को लार्ज को लार्च को कर लिया आप डिस्प्ले जैसे कभी भी जाते हैं सीधे होम स्क्रीन पे गए बस सिंपल इज़ दैट नथिंग फोन का ये फीचर थोड़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो लोग बेसिकली ज़्यादा फोन यूज नहीं करते हैं अगर पावर बटन प्रेस करने के बाद आपका गूगल असिस्टेंट डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है फोन शट डाउन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइक अगर ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं पावर बटन को तो गूगल असिस्टेंट चालू हो जाता है अगर ये फीचर को आपको चेंज करना है जेस्टर्स में जाने के बाद आप लोगों को होल्ड पावर फॉर योर गूगल असिस्टेंट इस पर जाने के बाद आपको सिर्फ होल्ड फॉर असिस्टेंट इसको डिसेबल कर देना है बस दैट्स इट आप अगर पावर बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे आपका सट डाउन का ऑप्शन आने लगेगा आप लोग इजिली इसको सट डाउन कर सकते हैं नथिंग फोन में जो थर्ड फीचर है वो गाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे कैसे इनेबल करना है बेसिकली ये मेंशन कहीं पे वेबसाइट वगैरह पे भी नहीं है तो वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है उसके बाद आप लोग लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है उसके बाद आप लोगों को ही मिल जाएगा ऑलवेज शो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लॉक स्क्रीन इसको इनेबल कर देना है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा दोस्तों अब आते हैं हमारे फिफ्थ फीचर को लेके कि ये छोटा सा डॉट जो आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा ये रेड डॉट जो आता है न फोन वन के अंदर बेसिकली काफी लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ अगर आप लोग कैमरा सेटिंग में जाते हैं उसके बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये आपका ये जो डॉट आता है रेड डॉट के लिए इंडिकेटर होता है अगर आप आप लोग अगर वीडियो वगैरह शूट करते हो अगर आप वीडियो शूट करोगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है तो जैसे कि मैं अगर ये सेटिंग इनेबल करता हूँ और मैं एक रिकॉर्डिंग को दिखाता हूँ अभी ऑन नहीं है ना जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करता हूँ उसका ये रेड इंडिकेटर स्टार्ट हो जाता है लगता है ना कूल तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एक्सक्लूसिव आई थिंक फोन के लिए आते हैं अगर आप लोग यूट्यूबर हो कंटेंट क्रिएटर हो तो आप लोगों को ये फीचर डेफिनेटली पसंद आने वाला है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों कभी ना कभी आप लोगों ने ये वाली कहावत तो सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा तो आजकल हम ना कभी कभी ना हमारे फ्रेंड्स वगैरह का फोन डिस्चार्ज हो रहा होता है लाइक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है हमारे उनके पास कोई वायरलेस चार्जर नहीं होता है बेसिकली कोई भी चार्जर नहीं होता है सडन आपको हेल्प करनी है तो आप लोग ये कर सकते हो बैटरी शेयरिंग के ऑप्शन में जाने के बाद बैटरी शेयर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको ये फोन को फ्लिप कर देना और उसके फोन को रख देना जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हो इस तरीके से आप लोग डूबते हुए तिनके का सहारा बन सकते हो बेसिकली ये वाला फीचर एक्सक्लूसिव थर्टी थाउजें के अंदर सिर्फ और सिर्फ नथिंग फोन वन के अंदर ही आता है दोस्तों अब बताते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लास्ट फीचर के बारे में काफी लोगों को नथिंग फोन वन की जो रिंग टोन है पसंद नहीं आती मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल्स पसंद आती है बट ये वाला फीचर मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ जिनको नथिंग फोन वन का एक भी रिंग पसंद नहीं है बट उनको ग्लिफ लाइट अच्छी लगती है और ग्लिफ लाइट को अगर किसी भी रिंग या सॉन्ग के साथ एड ऑन करना चाहते हैं म्यूजिक साउंड के साथ तो आप लोगों को मैं फीचर बता रहा हूँ इस फीचर को एनेबल करने के लिए आपको सिंपली इतना करना है इसके लिए आप लोग जाना पड़ेगा सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ग्लिफ इंटरफेस में एंटर एंटर करना होगा उसके बाद आप लोगों को रिंगटोन्स में जाना है उसके बाद आप लोगों को डिफॉल्ट रिंगटोस में जाना है उसके बाद आपको साउंड वाली सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एड न्यू साउंड करना है लाइक like आप भी जैसे मैंने एक दो अगर एड करना चाहें तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बेसिकली मतलब फोन की सेटिंग में जाएंगे और डाउनलोड वगैरह जैसे मैंने रिंगटोन डाउनलोड कर रखा है डाउनलोड की सेटिंग में जाने का मैंने एक रैंडम सॉन्ग डाउनलोड कर रखा था ये लगा दिया ग्लिफ पूरा वर्क कर रहा है सिंक कर रहा है उसके साथ में तो ये आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी आपका रिंग कोई भी लगा लें आपका ग्लिफ प्रॉपर वर्क करेगा आपके साथ में नोटिफिकेशन वेल्स को भी आप लगा सकते हो ये वाला नथिंग फोन में नहीं आता है देख ले इस तो ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा ऐसा नहीं है कि आपके पास सिंपली सिर्फ दस या बीस रिंग हैं अनलिमिटेड रिंग टोन्स आप लोग यूज कर सकते हो सिंक वगैरह करने के बाद प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे इस ग्लिप लाइट्स को और मेरे हिसाब से काफ़ी ज्यादा यूजफुल फीचर है काफी लोग यूज करते हैं काफी लोग यूज नहीं करना चाहते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड करता है मे बी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो आप लोगों को फ्यूचर में चाहिए इन्फॉर्मेटिव तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोगों को इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है मैं फ्यूचर में बनाता रहूँगा और अब लास्ट में इतना ही बोलूंगा डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय